एवरीबॉडी, हाउ आर यू? हेलो हेलो जी, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग फिट फाट हो गए, खैरियत से हो गए। और मेरा नाम है महलीज। आप मुझको यूट्यूब के पेज पे देख रहे हैं, जहां पर आप मुझको देख रहे हैं वहां पर लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राइट हो गया है, कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो गया। ब्राइट, आह, अब मैं पूरी पूरी बेनजीर लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ? मैं आपसे कहती हूँ कि इस मुल्क का कुछ नहीं होना है। ये इमरान खान ने आकर इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरे मरने के बाद इस मुल्क को कुत्ते की तरह नोच नोच कर ये भेड़िए खा रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तानी किसी चीज में आगे हो ना हो, किसी चीज में आगे हो ना हो, मगर हर किसी के काम में टांग अड़ाने या अपनी नाक रगड़ने में सबसे टॉप पे होते हैं। बताइए बताइए, इस चीज में नाक घुसाने में, अपनी दूसरों के बिजनेस में या टांग घुसाने में हम लोगों को, पाकिस्तानियों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए है। आप कहते हो कि नहीं, है ना? अग्री के नहीं, अग्री कर, अग्री टू डिसएग्री नहीं। अच्छा, तो अब हमारे पाकिस्तानी बेचारे मर्दों के होते हैं 2 इंच के, क्योंकि होते हैं 2 इंच के, फिर वो खतरा हो जाता है तो वो 1 इंच का रह जाता है बेचारे। अब करें तो क्या करें, राइट? हाँ, उनकी नाकें जो है ना, वो उनकी लंग से ज्यादा बड़ी होती हैं। उप्स, मैंने कुछ बोल दिया, हाय हाय हाय। सो अब क्या करें, नाक इतनी बड़ी तो लंग इतना छोटा, तो अब कंफ्यूजन तो होगी ना। तो इनकी नाक इतनी बड़ी होती है, वो ना चाहते हुए भी ना दूसरों के बिजनेस में कहीं ना कहीं से घुस जाती है। वैसे इनका लंग भी इतना बड़ा नहीं होता, मगर दूसरों के बिजनेस में घुस ही जाता है, पता नहीं कैसे, है ना? इसी वजह से इतने रेप के केसेस आते हैं। पहले तो इनके गंदे कमेंट्स, गालियां और डिक पिक्चर्स जो हैं, उसके विक्टिम हम सिर्फ पाकिस्तानी औरतें हुआ करते थे, चंद इंडियन होती थी आई थिंक लड़कियां ऑनलाइन, जहां पर ये पाकिस्तानी मर्द हमको डियर फ्रेंड आई वांट फ्रेंडशिप विद यू, सर बच जाओ इधर से, आई वांट फ्रेंडशिप विद यू, और उसके बाद डिक पिक्चर आ जाती, पता नहीं किसी जॉनी सीना को लेकर स्क्रीन शॉट मार के ना तस्वीर सेव करके हमको भेज देते थे, खुद का होता था 2 इंच का। मगर अब हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने सोचा कि हम सिर्फ अपने आप को पाकिस्तान तक क्यों महदूद करें, हमें इंटरनेशनल होना चाहिए, हमें इंटरनेशनल निकलना चाहिए आगे। तो अब आप सोच रहे होंगे, भैया मैं किस चीज से लेके जा रही हूँ, मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, इसका पॉइंट है, पॉइंट है, ठीक है। सो और आप ये भी सोच रहे होंगे, महली जो है वो बस अपनी भड़ास निकाल रही है, तो इसको तो पाकिस्तानियों से नफरत है, इसको तो पाकिस्तानी से प्रॉब्लम है, इसको इस्लाम से प्रॉब्लम है, तो ये अपनी भड़ास निकाल रही है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, जा खान, अगर आपको याद होगा तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तानियों ने हमारे अलमिया, हमारे इमरान खान की उसमें इजाफा करे, जिस भी चीज में इजाफा चाहिए, अकल में इजाफा करे, तो उन्होंने टर्की वालों से कहा कि भाइयों आप लोग भी मुसलमान हो, हमको ना आप ये ड्रामा आपने बनाया ना इस्लाम के ऊपर जी, उसकी तारीख पे, तो हमको वो ड्रामा बेच दो, हम आपसे वो ड्रामा खरीदना चाहते हैं और हम अपनी आवाम को जो है टर्की पत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। तो वो ड्रामा उन्होंने अर्तुगल खरीदा वहां से और वो पाकिस्तान में चले लगा, है ना, याद है आपको वो अर्तुगल ड्रामा? किस किस ने देखा, मैंने भी देखा था, पता नहीं कौन सी एपिसोड पे जाके, मैं आई वाज लाइक आई गिव अप, ड्रामा अच्छा था, आई लाइक द एक्टिंग, आई लाइक द अर्तुगल, आई हाय ही सो हॉट, लड़कियां तो लड़के तो मुंडे तो कास्ट उसकी ऐसी फाइन शाइन, इतने हॉट हॉट बच्चे उसमें, बच्चियां भी थी। सो मगर पाकिस्तान में इस इस्लामी ड्रामे को सिर्फ 2 बजे से देखा जाता। अब आप पूछेंगे कि भाई मालीज कौन सी ऐसी 2 वजह हैं हाँ जिससे पाकिस्तान में ड्रामा चला, तो पहली बात तो ये इस्लाम और दूसरी हमारी हलीमा सुल्तान। सिर्फ 2 ही चीजों की वजह से हमारे पाकिस्तानी मर्द इस ड्रामे को देख रहे थे, हलीमा सुल्तान को देखकर उनको अपने अंदर का इस्लाम याद आ जाता था जी, उनका इस्लाम खड़ा हो जाता था। अब हमारे पाकिस्तानियों को तो आप कोई भी स्टोरी मन घट, यानी पाकिस्तानी नहीं इंडियंस भी है चंद ऐसे, तो कोई भी स्टोरी बता दो, कहीं रियली ऐसा हुआ तो हाय मेरे रब्बा, है ना, तो वो बिलीव कर लेते हैं। ओके, वो बिलीव कर लेते हैं किसी भी चीज में, यू नो घड़ा उड़ के गया था तो बंदर उड़ के गया था तो क्या हुआ था, तो क्या हुआ था? उन्होंने बिलीव कर लिया कि भाई ये जो अर्तुगल में लोग हैं, जो अर्तुगल गाजी बना है वो अर्तुगल ही है, जो हलीमा सुल्तान बनी है वो हलीमा सुल्तान ही है, वो ऐसी रहती है, वो अभी खेमे लगा के बैठे हैं टर्की के जंगलों में। तो हमारे पाकिस्तानी उनकी अब क्या बात करें हम, उनकी तो शान ही बड़ी है, राइट? तो वो ये समझ के बैठ गए कि नहीं ये जो ड्रामा हो रहा है ना ये लोग ऐसे ही रहते हैं। और ये तो हुआ ये कि फिर ये पहुंचे हलीमा सुल्तान, एसरा बिलगिक, बिलगिक बिलजीक व्हाटएवर, राइट? तो ये हमारी बाजी एसरा जी हैं बेचारी, इन पे जो है तशद्दुद शुरू हो गया था उस वक्त।
यही नहीं, जो और भी हमारी कास्ट थी ना अर्तुगल की, और भी जो लड़कियां थी, तो उनके भी इंस्टाग्राम पे जाकर हमारे पाकिस्तानी इस्लामी भाई बहन शुरू हो गए, बहन ये आप क्या कर रही हैं, क्योंकि भाई वो तो टर्की में रहती है, वो तो बिकिनी पहने, तो वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती थी, सब कुछ अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह हो रहा था वहां पर, राइट। अब इनको थोड़ी पता कि भाई पूरी दुनिया के मुसलमान इस्लाम कैसे फॉलो करते हैं, हमारे पाकिस्तानी तो ये समझते हैं ना सारा इस्लाम का ठेका उन्होंने ही ले रखा है, सिर्फ वही मुसलमान है, उनको पता है इस्लाम कैसे फॉलो करना है, बाकी सारे चूतिया है पूरी दुनिया के लोग, है ना। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि जब हम इस्लाम पे बात कर रहे होते हैं या मुसलमान पे बात करते हैं तो वो दो डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, ठीक है ना, हर मुसलमान इस्लाम को नहीं फॉलो करता है 100%, कोई 1% फॉलो करता है, कोई 2% फॉलो करता है, कोई करता ही नहीं है, कोई 90% करता है, कोई 100% करता है, जैसे कि तालिबान हो गए, आइसिस हो गए, ये 100% फॉलो करते हैं इस्लाम को, राइट। तो वी हैव स्टेजेस एंड यू नो परसेंटेजेस के कितना मुसलमान कितनी चीजों को फॉलो करते हैं इस तरीके से। अब टर्की के मुसलमान क्योंकि वो यूरोपियन है और उनका यूरोपियन कल्चर है, तो उनका जो है यूरोप का कल्चर जो उनके ऊपर ज्यादा हावी है, ठीक है, उनकी जनरेशन आ रही थी, वो यूरोपियन थे, उनको उन्होंने मुसलमान कर दिया, वो अलग बात है, मगर उनके अंदर से वो चीज ही नहीं गई। सेम थिंग इन ईरान, ईरान में जब ये पहुंचे तो ईरान में रहते थे पारसी, ठीक है, अब नौरोज हो गया, ये सारी चीजें जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं मुसलमान बैठ के अफगानिस्तान या ईरान वाले, ये क्या है, ये पारसियों का होता है, दिस इज पारसी क्या कहते हैं ट्रेडिशन, तो वो ट्रेडिशन तो चलती आ रही है ना उनकी नस्लों से, है ना, तो वो खत्म तो नहीं होंगी। इसी तरह से हिंदुस्तान में से जो मुसलमान आए थे और ये लाल जोड़ा पहनना और ये गाने गाना शादियों में और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पाकिस्तान में अभी तक फॉलो की जाती हैं, क्यों, क्योंकि वो कल्चर चल रहा आ रहा है वहां से, हिंदुइज्म से, हमारा इंडिया से, राइट। ये कल्चरली चीजें ऐसी हैं जो हमारी चलती आ रही हैं और हमने इवन दो इस्लाम कबूल कर लिया है, हम उन चीजों को नहीं करते, राइट, उनको चीज छोड़ते नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। अच्छा, बाकी वापस आते हैं हम हमारी असराबाजी पे। तो असराबाजी पे ना काफी लोगों ने शोर मचाया कि असरा जी आपने क्या कपड़े पहनी दिए हो, बहुत बड़ा ना उसको करा। तो असराबाजी ने खैर इतनी अटेंशन पे नहीं की, असरा के जो दूसरे टर्की के फैन थे उन्होंने धो डाला पाकिस्तानियों को कि भाई ये तो टर्की है, पाकिस्तानी हम तो ऐसे कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर दो टोक जवाब देकर उनकी पैंट वही उतार दी, जो 2 इंच का 1 इंच का बचा था वो भी काट दिया, उन्होंने कहा जाओ तुम लोग सिर्फ टट्टों के साथ ही उतारा करो। सो अभी क्या हुआ कि अभी 2 दिन पहले एक और न्यूज आई, यानी कोई चैन नहीं लेने देना, पूरी दुनिया में नाक में दम करके रखना है सबको, बस किसी को अपनी लाइफ अपनी तरीके से गुजारने की इजाजत ही नहीं है, हर किसी को अपनी लाइफ पाकिस्तानी मर्दों के हिसाब से गुजारनी चाहिए, जिस तरह से वो कहेंगे वैसे आप करें, जिस तरह से वो कहेंगे वैसे आप पहने, यू नो दिस इज बुलशिट, ऐसा होता तो है नहीं मगर आप लोग कोशिश बड़ी करते हो। अब मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही हूँ, ये कहाँ गया, एक लिंक जो न्यूज आई है ये रहा, तो ये है डॉन की न्यूज है, मैं पाकिस्तान की न्यूज़पेपर मैंने इससे खोला है, हालांकि ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में छपी है बात, ओके। सम पाकिस्तानी मैन हैव अ सीरियस इशू विद असरा बाजी इन अ ब्रा, नॉट दैट इट इज एनी ऑफ देयर बिजनेस। तो असरा बाजी ने क्या कहा, असरा बाजी ने भी ना बस क्या बोलूं, असरा जी आपको सलाम है मेरा, असरा बाजी ने कहा अच्छा तुम लोगों को मेरी इन चीजों से प्रॉब्लम है, लो मैं विक्टोरिया सीक्रेट का शूट करती हूँ। तो असरा बाजी ने विक्टोरिया सीक्रेट का शूट कर दिया भैया, और इन्होंने क्या करा, असरा बाजी ने अपनी ब्रा दिखा दी, ब्रा का शूट कर दिया इन्होंने, ये देखिए, ये देखिए। तो इसमें इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द ओनली पर्सन हु रियली नोज हाउ कंट्रोलिंग पाकिस्तानी मेन कैन बी कैन गेट इज असरा बाजी। ओ भाई हमसे पूछो टी खान, हमसे पूछो 15 साल से भुगत रहे हैं इनको। असरा बाजी वेयर्स अ ब्रा एंड डज व्हाट शी वांट्स ऑन हर सोशल मीडिया, पाकिस्तानी मेन फॉर नो रीजन। चीख रहे हैं पाक, हाँ ये तो है ही ना इनका, इनकी इफ यू नीड मनी आस्क पाकिस्तान हैज टू बी माय फेवरेट वन, पाकिस्तानी मेन शेमिंग असरा बाजी नाउ दैट शी इज ब्ला 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 ब्ला। तो यहां पर ये देख सकते हैं आप कमेंट्स आए हुए हैं के नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, व्हाई आर यू एक्टिंग इन डिलरिस अर्तुगल सीरीज, योर मैक्सिमम फॉलोअर्स आर डिलरिस अर्तुगल सीरीज फैन, इफ यू ऑलवेज प्रमोट न्यूडिटी देन व्हाई देन यू विल रेडी फॉर अनपॉपुलर एक्ट्रेस एट लास्ट, शेम ऑन यू। ओ भैया इंग्लिश तो सीख लेता पहले, होय 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 होय। फिर ये आगे कहते हैं जाफरी जी, ए हलीमा सुल्तान भाभी व्हाट आर यू डूइंग, यू नो इफ अर्तुगल ब्रदर सी यू इन दैट ब्रा लुक सो ही गिव अ स्लैप यू, प्लीज भाभी डोंट शो दैट, दैट्स लाइक। फिर ये लिखते हैं इट कांट बी आर हलीमा सुल्तान, अरे भाई वो हलीमा सुल्तान है नहीं। Shameless people, by playing Halima Sultan, you have made a place for yourself in the hearts of the people. By doing all this, you will only get hatred. Shame on you. If you need money, you can ask Pakistan. But don't do this. You are running Islamic culture, ruining Islamic culture. What a joke of the day. If you need money, ask Pakistan. पे आ
आ जाओ, जमीन पे आ जाओ। फिर ये लास्ट कमेंट यहाँ पर है, आई लाइक यू सो मच बट आफ्टर सीइंग दिस सो सैड, डोंट सीम टू बी अ मुस्लिम गर्ल। अच्छा, आई वाज अ फैन ऑफ योर्स बट नो लॉन्गर, यू शुड नो दैट मेजोरिटी ऑफ योर फैंस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ योर पोर्ट्रेयल ऑफ व्हाटएवर राइट, बकवास। सो एनी हाउ, ये हमारे पाकिस्तानी मर्दों ने जो है जाकर चीजें लिखी हैं। अब क्या कहा जाए भैया, एसरा जी आई फील फॉर यू, आई फील फॉर यू, द ओनली थिंग इज यू डोंट फील फॉर मी। हम तो इनको भुगत रहे हैं भैया, 15 साल से भुगत रहे हैं चूतियों को। यहाँ हम छीके हैं, यहाँ हम स्लीवलेस पहने हैं, हम यहाँ पे सांस भी लेते हैं, इन कमीनों को प्रॉब्लम होती है। सांस क्यों ले ली सर हम जाती ने, इसका तुम गला घोट के यही पे मार दो, चार दीवारी में बंद करके रखो इसको। मगर भाई वो तुर्किश लोग हैं, मुसलमान हुए तो क्या हुआ, वो तुर्किश है, वो आप लोगों से ज्यादा अच्छा इस्लाम जानते हैं, ज्यादा बकवास की ना, तो वो अर्दोगान बैठा है ना, उसने गांड में डंडा दे देना तुम लोगों के, गांड में डंडा दे ज्यादा उसके एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस को तुम लोगों ने परेशान किया, तो डोंट डू इट, डोंट डू इट। तो बेचारी हलीमा सुल्तान का मैं आपको फोटोशूट भी दिखाई दूंगा, आप लोग बैठे होंगे यार मान लीजिए आपने तस्वीरें तो दिखाई ही नहीं, हलीमा सुल्तान की नई वाली ब्रा में, तो हम वो भी दिखाते हैं भैया, सरब जी का विक्टोरिया सीक्रेट जो सीक्रेट था पाकिस्तानियों का वो हमारी एसरा बाजी ने खोल दिया, और ऐसा खोला है कि लोगों से हैंडल नहीं हो रहा है। चलिए अच्छा, तो ये हमारी एसरा जी, और कोई ऐसी बड़ी बात उसने थोड़ी सी टू पीस पहन लिया, हालांकि उसकी टू पीस में तस्वीरें हैं, मगर उसने कौन सा टू पीस पहना, सिर्फ ब्रा दिखाई है भैया, ब्रा दिखाई है, बूट दिखा दिए, तो क्या हो गया, क्या हो गया, बूट दिखा दिए, तुम लोग भी अपनी माओ के बूट से लटक लटक के दूध पीकर मोटे मुस्टंडे बने हो जाहिलो जाहिल। ये देखिए, हाय 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 एसरा बाजी, तनु अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा तनु, विक्टोरिया सीक्रेट, ओए होए होए एसरा बाजी, ओए होए 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 दी हार्ट एसरा, ओ हो हो शी इज गॉर्जियस, लाइक शी इज गॉर्जियस, हाय 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 हाय। अच्छा इस वाली पिक्चर पे बताओ क्या कहेंगे, कहेंगे एसरा जी क्या पहना हुआ आपने, मुझे दूसरा आ गया लटके में। अच्छा पीस है, पीस तो बड़ा अच्छा है, बड़ा टाइट है, आई लाइक हर। इनकी शादी भी हो गई, फिर इनकी डिवोर्स भी हो गई, मैंने इसी तो शादी ही नहीं की, फायदा क्या, डिवोर्स शादी फॉरन ही, इससे बेहतर है वो खर्चे से बचो, है ना। मालीज आप मुलानी हो, आप सूट नहीं करता, आपको सूट नहीं, मुझे क्या सूट नहीं करता, लो जी लो, हम मुलाना मुलानी हो और हम ही को तो सूट करता है, हम ही को तो इजाजत है ऐसी चीजें देखने की, लो आप लोगों पे हराम है ये चीजें, हमारे में सब हलाल, हमारे को सर्टिफिकेट मिला हुआ होता है, ठप्पा लगा कर फरिश्तों को भेजा अल्लाह मियां ने नीचे, क्या आपके लिए सारे हराम काम हलाल कर दिए हैं हमने, जैसे अल्लाह मियां ने वही उतारी थी ना मोहम्मद जी के लिए, कि आपके लिए जो चीजें हलाल बनाई आप उसको हराम क्यों कह रहे हैं, तो मेरे लिए जो चीजें हलाल बनाई मैं उसको हराम क्यों कहूं भाई, है ना, ये इतनी हलाल चीज है, लाइक हलाल और लाल लाल, हाय हाय इसको देखकर तो मैं भी फिसल जाऊं, हाय आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ टर्निंग इनटू अ लेस्बियन, ओ नो, देखो ये खराब कर रही है, लेस्बियन की बात कर रही है, अरे लेस्बियन हो गई है। खैर ये थी हमारी एसरा बेगम की छोटी सी दास्तान जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, बेचारी हमारी एसरा बेगम, अलमिया इनको बहुत तरक्की दे और पाकिस्तानियों से दूर रखे। अच्छा इसी दौरान एक्चुअली मैं एक चीज आपको बताना भूल गई कि एक और इन्हीं इसी कास्ट की एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने धो दिया भाई, कितनी देर बर्दाश्त करेंगे इन चूतियों को, हद होती है ना बर्दाश्त, हर कोई माली सरकारी थोड़ी होता है, और उन्होंने पेल लिया, उन्होंने कहा तुम लोग माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन नोज इन योर बिजनेस, मेरे बिजनेस में तुम्हारा क्या काम है, मेरे बिजनेस में तुम्हारा क्या काम है, मेरे बिजनेस में तुम्हारा क्या काम है, है ना, तो उन्होंने यही कहा, बस वही है ना, जहाँ भी जाते हैं वहीं पे गांड में लात मार के ठुड्डा मार के जलालत करवा के आते हैं, 100% सर्टिफाइड जलालत, छप्पा यहाँ पे बड़ा होता है। कैसे दिया आपको, है नहीं दिया, अच्छा है भड़वे, यहाँ पर लाइक का बटन है उसको जरूर दबाना है आपने, लाइक के बटन को, ओके, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा ही लो यार, जब बटन ही दबा रहे हो तो वो भी दबा लो, और अगर वो भी दबा लिया है तो फिर वो नोटिफिकेशन का बटन पड़ा है ना उसको भी ऑन कर लेना।